और आखिरी जो मरहला है इस तालीम नबवी का, वो तालीम हिकमत है। ये असल में इंसान के फहम और अक्ल की वो मैच्योरिटी है, वो पुख्तगी है। हा काफ मीम का मादा आता है पुख्तगी के लिए। इसी से हम एक लफ्ज मुहकम, दलील मुहकम, बड़ी पुख्ता दलील है, ये मजबूत दलील है। मुल्क मुस्तहकम हो गया, यानी अब इस्तेहकाम है, ये अपने ऊपर कोई हमला हो तो उसे बर्दाश्त कर सकता है, कोई इंटरनल सेबोटाज हो तो उसका मुकाबला कर सकता है। मुस्तहकम हाकिम, के जो मुसल्लत है और हुक्म दे सकता है। हकीम जो है वो कहते हैं एक है हुक्म, एक है उसकी हिकमत। तो हिकमत दो तरह की है, एक हिकमत है उसूली है, वो है ईमान की हिकमत। एक तो है अल्लाह को मान लिया, आखरत को मान लिया, एक इन ईमानियात के अंदर जो असल शय एसेंस है उस तक रिसाई हो जाए, इंसान पहुंच जाए उस तक, और उसका जहन और कल्ब दोनों मुतमइन हो जाए, जिसको कि कुरान मजीद में नफ्से मुतमइन्ना कहा गया है। दिल और दिमाग दोनों मुतमइन है ईमान पर, उसका दिमाग भी उसी शय की तस्दीक कर रहा है जो दिल कह रहा है। ये हिकमत दीन कहलाएगी, हिकमत ईमान। मौलाना रूम का शेर है, कब तक पढ़ोगे चंद खानी हिकमत यूनानिया, ये यूनानियों का फलसफा कब तक पढ़ोगे, हिकमत ईमानिया राहम बेखां, ईमान की हिकमत पढ़ो, ईमान की दानाई, ईमान का फलसफा। और एक है हिकमत अहकाम की, रोजा क्यों फर्ज किया गया तुम पर, लअल्लकुम तत्तकून, नमाज क्यों फर्ज की गई तुम पर, ले जिक्री, अकीम सलात ले जिक्री, जकात क्यों फर्ज की गई, तुम्हारे तज़किया नफ्स के लिए। ये दिल से माल की मोहब्बत कम होगी तो तुम्हारे जो है नफूस उनके अंदर तज़किया पैदा होगा। तो अहकाम की हिकमत ये चोटी की शय है। एक इंसान इस हद तक पहुंच जाए कि पूरा दिल मुतमइन हो, वाकई हुक्म यही होना चाहिए था, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया अब यही मेरे दिल में है, वाकईतन यूं ही होना चाहिए था। इसी को कहते हैं इस्लाम पर शरह सदर। अल्लाहुम्म रब्बना नव्विर कुलूबना बिल ईमान, अल्लाह हमारे दिलों को तो नूरे ईमान से मुनव्वर कर दे, वश्रह सुदूरना लिल इस्लाम, और हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे, कि इस्लाम का हर हुक्म हमें मालूम हो कि हाँ मेरी फितरत की प्यास यही है, मेरी अक्ल का तकाजा यही है, मेरी फितरत जो है पुकार रही है इसी बात के लिए कि ये हक है, यही हक है, यही सही है, यही दुरुस्त है। जब ये हम आहंगी हो जाती है शरीयत के अहकाम और इंसान के ज़हन व फिक्र उसके साथ, तो ये है मैच्योरिटी का और तालीम नबूवत का गोया के सबसे ऊंचा मकाम।